सत्य से कोई कितना भी भाग्य घूम फिर कर वहीं पर आना पड़ता है, क्योंकि सत्य सत्य ही है। इसलिए जीव को अपनी संपूर्ण समस्याओं का समाधान कहाँ मिलेगा? वास्तव में मनुष्य को चाहिए क्या? खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समाना जी, क्यों देह मनुष्य की धारी, सुनो सुनो वचन नर नारी। ये शरीर एक बंधन है और इस बंधन के कारण अनेकों दुख हैं, अनेकों व्याधियां हैं। इसलिए मनुष्य अनेक प्रकार से अपने आप को सुखी करने का प्रयास करता है। इसलिए कहा गया कि यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। यतन सब सुख के किए, दुख का किया ना कोई। कोई दुख का यतन नहीं करता, सब तो सुख के लिए ही प्रयासरत है। लेकिन ये संसार द्वैतमयी है। पुराणों का मत है कि द्वैतमयी है। इस संसार में सुख भी है, दुख भी है, लाभ भी है, हानि भी है, जय भी है, पराजय भी है। इसलिए कल भी इस विषय पर चर्चा चले कि कोई आजीवन भाग्यशाली नहीं रह सकता। कुछ समय काल के लिए ही कोई व्यक्ति भाग्यशाली बनता है, ये उसके प्रारब्ध पर निर्भर करता है। इसलिए दो शक्तियों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में द्वंद चलता रहता है और उस द्वंद के परिणाम में ये संसार है। इस द्वंद के परिणाम में एक अस्तित्व है संसार का। लेकिन ये संसार नित्य चलायमान है, नित्य परिवर्तनशील है, नित्य परिवर्तनशील है, परिवर्तन निश्चित है। जीवन ही परिवर्तन का नाम है, काल का अस्तित्व ही परिवर्तन के कारण है, समय का अस्तित्व ही परिवर्तन के कारण है। अगर वस्तुएं परिवर्तित ना हो, अगर आपके आसपास का माहौल परिवेश परिवर्तित ना हो, आपके शरीर में कोई परिवर्तन ना आए, तो फिर समय नामक, जिसको हम समय कहते हैं ना, घड़ी लगाते हैं घर के भीतर समय देखने के लिए, तो समय का अस्तित्व नहीं रहेगा, काल का अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए जो ब्रह्म का अस्तित्व है वो काल और माया के परे है। फिरत सदा माया करी प्रेरा, काल ही कर्म ही स्वभाव गुण घेरा, कबहू करी करुणा नर देही देत ईश विरोहित सने। ये मनुष्य जीवन ईश्वर के स्नेह से, ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ है। ईश्वर के स्नेह से जब जीव भटक जाता है 84 लाख योनियों में फिरते फिरते, तो भगवान कृपा करते हैं कि भाई बहुत भटक लिया, इसका भटकाव दूर हो, वो साधन इसे प्राप्त हो, वो साधन मिले इसे। तो वो साधन क्या है? ये मनुष्य शरीर है। पड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही पर लोक सवारा। लेकिन इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके क्या करना है? आए जगत में क्या किया, तन पाला की पेट सहजो, दिन धंधे गए रैन गई सुखले। जानवरों के जीवन को हम देखें, वो अपना जीवन कैसे यापन करते हैं। एक पक्षी है, वो घोंसला बनाती है,
अंडे देती है, उसके बच्चे होते हैं, अपने बच्चों के मुख में वो भोजन डालती है अपने मुख से, थोड़ा बड़े होते हैं उन्हें उड़ना सिखाती है, घोंसला बनाना सिखाती है, वो भी अपना कर्तव्य पूरा करती है। आप देख लो, बहुत सामान्य सी बातें हैं, आप आसपास देख सकते हैं अपने। अगर एक गली के अंदर कोई दूसरे गली का कुत्ता घुस जाए तो उस गली के सारे कुत्ते मिलकर उसे भगाना शुरू करेंगे, काटना शुरू करेंगे, उससे उसके ऊपर भोंकेंगे, उससे लड़ेंगे, उससे भोंकेंगे लड़ेंगे, उसे वहां से भगाएंगे। ये प्रवृत्ति है, ये जीव की प्रवृत्ति है। जहां बंदर रहते हैं, बक्सर चले जाइए आप, बरेली चले जाइए, मथुरा चले जाइए, कई तीर्थ स्थानों में, अयोध्या चले जाइए, गाजियाबाद, वहां बंदर बहुत मिलेंगे। अब वो बंदर जब एक जगह हम गए यूपी के अंदर हाथरस, वहां पे भी बंदर बहुत, तो बंदर जो है वो घूमते हैं पूरे झुंड में, लेकिन उनके घूमने का एक तरीका है। मान लीजिए कि एक छत से दूसरे छत पर गए तो पहले एक बंदर जाएगा, सारा देख कर आएगा कि भाई हाँ मामला साफ है, ठीक है, क्लियर है सब कुछ, इशारा करेगा, उसके पीछे पीछे बाकी आएगा। तो वो एक जो आगे आगे गया वो था कौन? वो था कप्तान, उनका नेता। तो बंदरों ने चुनाव किया कि भाई ये हमारा नेता है, इसको सबसे आगे भेजो, ये देख के आएगा, फिर हम इसके पीछे जाएंगे। और फिर बंदरों में नहीं, भेड़ों में, दूसरी प्रजातियों में, बतकों में भी। आप कभी पानी के अंदर बतख को तैरते या रोड पर आप देखे, एक अकेला जो आगे होता है उसके पीछे झुंड में सारे होते हैं, एक अकेला आगे आगे करता है। ये मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है, ये सब बातें मैं आपको बता रहा हूं, समझने की आवश्यकता है कि ये प्रवृत्ति, खाना पीना सोना भयभीत होना, अपना नेता चुन लेना, अपना घर बना लेना, अपने बच्चों को पाल पोस लेना, पशुओं के अंदर भी प्राप्त होता है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है कि पशुओं के जितने तरह के जानवर है उन सबके गुण मनुष्य के अंदर मिल जाए, क्योंकि वो आया ही वहीं से। ये कोई वो बात नहीं है, ये अनुसंधान के द्वारा प्रमाणित की हुई बात है। जानवर भी अपना नेता चुन लेते हैं, जानवर भी अपना मुखिया बना लेते हैं कि भाई हमारा मेन ये रहेगा और इसके माध्यम से हम बाकी काम करेंगे। इसलिए मनुष्य वृत्ति क्या है, हमारे वेदों ने कहा मनुर्भव मनुर्भव, मनुष्य बनो मनुष्य बनो। किसको कहा? वेद जानवर तो पढ़ेंगे नहीं, मनुष्य ही पढ़ेंगे। तो फिर मनुष्यों को क्यों कहा जा रहा है कि मनुष्य बनो? महाभारत के अंदर एक बात लिखी गई, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेघ पशुभिन रमान धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु धर्मेर हिना पशुभि समान। कि जिसके अंदर धर्म ही अधिक है और जिसके अंदर धर्म ही विशेष है, धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषु, जिसके अंदर धर्म ही अधिक है, जिसके अंदर धर्म ही विशेष है, वो मनुष्य है, धर्मे नहीं ना पशु भी समान, वो पशु के समान। कोई दो पैर पे चलता हो, लंबी नाक हो, नाक बड़ी ऊंची हो, इससे वो मनुष्य नहीं हो जाएगा। दो पैर पे चलने वाला, ऊंची नाक वाला, बड़ा सर वाला, अनुपातिक दृष्टिकोण से, अनुपात के दृष्टिकोण से मनुष्य का सिर बड़ा होता है बाकी जानवरों की तुलना।
यही इसकी विशेषता है, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी चेतना शक्ति विशेष है, उसके अंदर चेतना विशेष रूप में है बाकी जीवों की तुलना, उसके अंदर मन की ताकत है इसलिए वो मनुष्य है। और मन सबसे चमत्कारी वस्तु है, सबसे चमत्कारी, लेकिन मन रूपी औजार जो मनुष्य को प्राप्त है, सबको प्राप्त है, लेकिन वहां पर चेतना की शक्ति कमजोर है बाकी जीवों के अंदर, और उससे निम्न जाएंगे रेंगने वाले जीव, उनमें चेतना की शक्ति और कमजोर मिलेगी। बस एक ही है वैज्ञानिक खोज, यद्यपि हमारे शास्त्रों ने तो बहुत पहले बता दिया इस बात को, एक ही जीव है जिसके अंदर चेतना शक्ति बहुत तीव्र होती है, और वो है नाम। आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं इस बात को, इसकी बुद्धि जीवता बहुत तीव्र होती है, जो नाग सर्प होता है, इसलिए उसके अंदर आदमी को पहचानने की भी ताकत होती है कि फलाना व्यक्ति कौन है। पहले ये बातें कथाओं में थी, लेकिन अब वैज्ञानिक अनुसंधान के द्वारा भी इसको प्रमाणित किया जा रहा है कि, लेकिन फिर भी मनुष्य के बराबर चेतना शक्ति किसी जीव की नहीं है, जितना चेतना शक्ति मनुष्य के अंदर है। और चेतना से मन बलवान होता है, मन बलवान होता है तो मन कार्य करता है, मन से मनुष्य है, और अगर मनुष्य मनुष्य ना बन पाए, मात्र भौतिक उपलब्धियों तक ही अपने जीवन को सीमित कर ले, तो उसका पतन है, उसका पतन निश्चित हो जाता है। और वास्तव में जिस आनंद की प्राप्ति हेतु, जिस आनंद की प्राप्ति हेतु उसे ये जीवन मिला था, उस जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता, उस जीवन का कोई मतलब नहीं निकलता। इसलिए कई जन्म जन्म बारंबार पाया, मर दुख हर बार झेला, पुनर्जन्मी जठर मेया, सुख दुखों का खेल खेला, पार करना है अगम संसार सागर विश्व भारी, पाही प्रभु अवलंब तुम्हें अब मुरारी, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाही बार मुरारी। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, मैं इससे थक चुका हूं। मनुष्य का सामर्थ्य है कि वो मृत्युंजय भी हो सकता है। लोग कहते हैं कि मृत्यु सत्य है, मृत्यु सत्य है, यह जीवन अविनाशी है। कई जगह आप सत्संग में सुनते होंगे, कई जगह आप विचारों में पढ़ते होंगे कि भाई मृत्यु सत्य है, जीवन विनाशी है, जीवन का विनाश हो जाएगा, ये जीवन नहीं रहेगा, एक दिन सबको मरना है, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ी चले एक बंधे जंजीर। अब राजा परीक्षित सुखदेव मुनि के समक्ष बैठे हुए हैं, उनके सामने समस्या है कि ठीक सातवें दिन तक्षक सर्प उनको डस लेगा और उसकी विष के ज्वाला में वो भस्म हो जाएंगे। श्रीमद् भागवत कथा का वाचन सुखदेव मुनि कर रहे हैं, भगवान के अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, तो किस लिए बैठे हुए हैं? अगर मृत्यु सत्य है तो फिर मृत्यु को सत्य मान के छोड़ देना चाहिए था, उसका समाधान ढूंढने में क्यों लगे हुए हैं? क्या समाधान हो सकता है मृत्यु का? क्योंकि सत्य तो कुछ और है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरित मानस में एक रहस्यमयी बात लिखी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का ये अंश जीव अविनाशी है, इसका कभी विनाश नहीं होता, अर्थात जीव कभी मरता नहीं है। तो मरता कौन है? मृत्यु इस शरीर की होती है, जीवात्मा कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, मरता मात्र शरीर है, लेकिन शरीर के अंदर काम करने वाला वो जीव, उसके भी अंग हैं,
उसके मुख्य चार अंग हैं। कौन से सूक्ष्म चार अंग हैं? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये हमारा अंतःकरण है। मृत्यु के बाद भी मन चित्त के अंदर संस्कार, कर्मों के संस्कार रहते हैं और जीव इसी को लेकर अपने अगले जन्म की यात्रा प्रारंभ करता है। पहले दिन हमने श्रवण किया भागवत महात्म में कि किस प्रकार से धुंधकारी मरने के बाद प्रेत योनि में चला गया और अपने भाई गोकर्ण के कथा वाचने से उसकी मुक्ति हो पाती है। इसलिए जीव की गति है, एक ही संबंध है इस संसार से और जीव का। क्या संबंध है भाई? क्या किसी जाति का संबंध है? क्या किसी बिरादरी का संबंध है? कोई जाति बिरादरी का संबंध नहीं है। संबंध है तो वो कर्मों का संबंध है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्मों के आधार पर सब कुछ चल रहा है। कोई कैसा भी हो, अगर कर्म अच्छे हैं तो सब अच्छा है। राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी भक्त प्रहलाद के कर्म अच्छे हैं, असुर कुल में जन्म लेने के बाद भी भक्त प्रहलाद के कर्म अच्छे हैं, कर्म सुंदर है। तो कर्मों से कोई सुंदर बनता है। सुंदर कौन है? गोस्वामी जी ने सुंदर कांड के अंदर लिखा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाल भजिए रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, वो सुंदर है जिसने इस तन को पाकर रघुवीर का भजन किया, प्रभु का भजन किया, अपने मन को एकाग्र किया। मन का संपूर्ण विज्ञान ही एकाग्रता में है। एकाग्र कर लो, चमत्कार घटित होना शुरू हो जाएगा। मन ऐसी शक्ति है कि बिना कुछ किए सब कुछ कर देने की ताकत रखता है। आप जैसे जीवन जीना चाहते हैं वैसा जीवन आपको आपका मन देगा, दूसरा कुछ नहीं देगा। लेकिन एकाग्रता हो तो वो आकर्षित कर लेता है चीजों को, वस्तुओं को। मन की ताकत है। इसलिए मन एकाग्र हो जाए प्रभु के सुमरण में तो सारी माया नष्ट हो जाती है। दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है जीवन में शांति। यही श्रीमद् भागवत महापुराण का विज्ञान है। इसी को समझना है, जीव समझ ले। और इसी विज्ञान को सुखदेव मुनि इतनी कथाएं सुना रहे हैं, समझाने के लिए सुखदेव मुनि कथाएं सुना रहे हैं कि तू अपने मन को एकाग्र कर। कथा शुरू तो हुई अवतारों से, प्रभु की महिमा से, विराट रूप से, प्रभु के विराट रूप से कथा शुरू हुई। ब्रह्मा जी की समस्या भगवान अवतरित होकर जगत्पति भागवत का ज्ञान देते। सनकादिक मुनि ब्रह्मा जी की बात को नहीं मानते, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि सनकादिक मुनियों ने अपने मन को प्रभु के चरणों में एकाग्र कर लिया है। कल हमने कथा श्रवण की, भक्त प्रहलाद और नरसिंह अवतार की कथा हमने श्रवण की। प्रहलाद के पास कौन सी शक्ति है? हिरण्यकश्यपु ने प्रहलाद को सर्प महल में छोड़ दिया। उन सांपों ने भी प्रहलाद को डसा नहीं। पागल हाथी के सामने छोड़ दिया। प्रहलाद को अपने हरि बोल में मस्त रहे, पागल हाथी भी उनके साथ नाचने लगा। जब पागल हाथी ने भी नहीं मारा तो प्रहलाद को पर्वत के नीचे फिकवा दिया, गिरा दिया, तो भी नहीं मरे। तो अपनी बहन सिंहिका को बुलाया और उसके साथ चिता पर अग्नि में बिठा दिया। लेकिन प्रहलाद की एकाग्रता की शक्ति है, यह एकाग्रता की शक्ति है, यह तपोबल है साधक का। तपस्या से ही सब कुछ है। ब्रह्मा ब्रह्मा अपने तपस्या से है, विष्णु विष्णु अपनी साधना से है, बजरंग बली अपनी साधना से है। इसलिए साधना करनी पड़ेगी, साधना के मार्ग पर चलना पड़ेगा। इससे बढ़कर
दूसरी कोई पूजा नहीं है, इसके बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं है। साधना शिव जी हमेशा ध्यान में बैठे हुए हैं। हम तो तरह तरह की क्रियाएं, व्यक्ति भक्ति को लेकर जितना संशय ग्रस्त है उतना किसी विषय को लेकर नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी लिखते हैं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पाव ही प्राणी, बिना सत्संग के नहीं मिले। इसलिए जीवन में सुखदेव मुनि राजा परीक्षित के जो थोड़ा सा जीवन काल बचा है समझा देना चाहते हैं, उस विज्ञान को समझ लो। और मात्र इसी विज्ञान को समझाने के लिए बाकी सारी कथाएं हैं कि मनुष्य का मन एकाग्र चित्त हो, एकाग्र हो, प्रभु के चरणों में एकाग्र हो, तभी उसके जीवन का कल्याण है, अन्यथा कल्याण नहीं है। और प्रभु दुख देते हैं, प्रभु क्या दुख देंगे? भगवान तो ना किसी को सुख देते हैं ना किसी को दुख देते हैं, ये तो कर्मों का फल है, जो जैसा करता है वो वैसा भोगता है। लेकिन अगर जीवन में दुख भी आता है, जब सब कुछ बढ़िया हो गया, पांडवों को अपना राज मिल गया, राजपाट सब मिल गया, श्री कृष्ण ने कहा कि अब मैं विदा चाहता हूं, मुझे द्वारका में बहुत सारी मेरी जिम्मेदारियां हैं, मुझे वहां जाना है। जब माता कुंती ने यह बात सुनी, दौड़ी दौड़ी श्री कृष्ण के पास आई और श्री कृष्ण से कहा कि हे केशव, तुम जाने की बात करते हो, नेत्रों में अश्रु धारा थी, नेत्रों में अश्रु धारा थी। कृष्ण ने कहा कि बुआ, तुम क्यों रोती हो? मैं कहीं सबको अभी तो जा रहा हूं, लेकिन फिर मुलाकात होगी। लेकिन देवी कुंती भाव विभोर हो गई है, ताकि इतने वर्षों से तुम संग थे, अगर तुम संग ना होते तो पता नहीं क्या होता, पता नहीं हम सबके साथ क्या होता। और आज सब कुछ ठीक हो गया तो तुम जा रहे हो केशव, हम सबको छोड़कर, हम सबको छोड़कर तुम जा रहे हो। इससे बढ़िया तो वो दुख था जब तुम हमारे संग थे, सुख के माथे सिल पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख को जो पल पल नाम रटाए। इससे अच्छा तो कृष्ण वो दुख ही था, वो विपत्ति की घड़ी थी जब तुमने हमारा साथ दिया, तुम्हारा संग तो मिला। इसलिए भगवान जीवन में दुख भी देते हैं तो व्यक्ति को कुछ सिखाने के लिए, कि अगर उसे अपने जीवन का कल्याण करना है तो अपने मन को प्रभु के चरणों में लगाना होगा। और आज श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आगे बढ़ती है, ये तो बहुत बृहत कथा।